नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम के बारे में। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके अंदर भी हम सेविंग अकाउंट को खोल सकते हैं। तो जो ये सेविंग अकाउंट स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट ऑफिस के अंदर लाई गई थी, ताकि जो गांव के लोग हैं जहां पे बैंक नहीं है या काफी कम उनके पास पैसे जमा होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े पैसे को इकट्ठा कर सके। तो ये है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम। तो देखते हैं इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं और आप इनको कैसे खुलवा सकते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो है, वो एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जैसा कि इसको नाम दिया गया है। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस में ये सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इसके अंदर आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि 4% का पर ईयर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्यों? क्योंकि इतना ये कम क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि देखिए, आप थोड़ा थोड़ा पैसा इसके अंदर जमा करते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो आपके फायदे के लिए, जो आम लोग हैं जो थोड़े थोड़े पैसे इसके अंदर जमा करते हैं, अपनी सेविंग को बढ़ाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये इंटरेस्ट रेट रखा गया है, ताकि उनको भी फायदा मिल सके और लोग हैं वो भी इसके अंदर जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकें। तो 4% का इंटरेस्ट मिलता है, आप थोड़े थोड़े पैसे इसमें जमा करवा सकते हैं, तो पर एनम आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो एक तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि आप जमा करवाएं और आपको इंटरेस्ट रेट भी मिले। दूसरा, इसके अंदर देखिए, अगर आप चेक फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है, और बिना चेक फैसिलिटी के आप ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस में। तो आप दोनों का ही फायदा उठा सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? अगर आप चेक फैसिलिटी लेते हैं तो आपको 500 रुपये उसके अंदर मेंटेन रखने होंगे जो आप अपना सेविंग अकाउंट खोलेंगे, और अगर आप चेक फैसिलिटी नहीं लेते तो आपका जो अकाउंट है उसके अंदर आपको 50 रुपये मेंटेन रखने होंगे। तो ये दोनों इसके अंदर अंतर हैं, आप कोई भी फैसिलिटी को चूज कर सकते हैं। दूसरा, जो ये चेक फैसिलिटी है और जो ये विदाउट चेक फैसिलिटी है, ये जो है आपके जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज में आपको ये मिल जाती है, लेकिन गाँव के अंदर आपको इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। तो वहां पे आपको ATM भी वैसे प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इसके अंदर आपको ATM की सुविधा होती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है, पास में ब्रांच है, वहां पे जाके आप इन फैसिलिटीज के बारे में पूछ सकते हैं अकाउंट खुलवाने से पहले। आप इसके अंदर फायदा क्या उठा सकते हैं? जैसे जो भी पैसा आप जमा करवाते हैं तो आप उसको कभी भी निकलवा सकते हैं। थोड़ा पैसा आप निकलवाना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, और सारा का सारा आप निकलवाना चाहते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए देखिए, 4% इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि इसके अंदर आप कभी भी, आपको जरूरत पड़े, आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इतना कम इंटरेस्ट रेट भी इस पे रखा गया है। लेकिन आपके लिए बेनिफिट है कि आप पार्शली या कम्प्लीटली जब चाहें इसके अंदर से अपना पैसा जो है बाहर निकाल सकते हैं और अपना जो पैसा है उसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपको पैसा रखना ही रखना है। आप इसको अगर खुलवाना चाहते हैं तो मिनिमम जो कम से कम जो रुपीज लगेंगे आपके, वो 20 रुपये लगेंगे। 20 रुपये में आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो ये जो है इसके मेन जो पॉइंट्स हैं, और देख लेते हैं जो इसके मेन जो पॉइंट्स हैं हमारे पास। इसका कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहेगा, यानी कि आप आज खुलवाते हैं तो 10 साल 15 साल 20 साल जब तक आपका दिल करता है आप इस अकाउंट को चलाएं, उसके अंदर आप पैसे जमा करवाएं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 3 साल के अंदर अंदर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार खुलवाएं और 4 साल 5 साल तक इसको ऑपरेट ही ना करें, तो इससे क्या होगा, वो अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाएगा। तो फिर दोबारा से कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ वो खोला जाएगा अगर दोबारा आप उसको खुलवाना चाहते हैं। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं रखा गया है, लेकिन आपको इसके अंदर ट्रांजैक्शंस जो है, यानी कि पैसा जमा करवाना निकलवाना, 3 साल के अंदर आपको एक दो बार तो जरूर करना ही होगा। नहीं, अगर आप विदाउट ऑपरेशन के इसको छोड़ देंगे तो ये क्या है, ये बंद कर दिया जाएगा या कहीं कि डिसेबल कर दिया जाएगा। ATM फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे हमने बात की है, लेकिन ये कुछ शहरों में है, जो बड़ी सिटीज हैं उनके अंदर अवेलेबल है, जहाँ पे इनके खुद के जो पोस्ट ऑफिस हैं वो ATM जो या डेबिट कार्ड कहें कि उसको ये सुविधा आपको देते हैं, तो
तो ये अगर गांव की बात करें, छोटे छोटे अगर कस्बे हैं, गांव है, वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो चेकबुक की हो गई, एटीएम की हो गई, तो अकाउंट खुलवाने से पहले अगर आपको ये फैसिलिटीज चाहिए तो आप इन दोनों फैसिलिटीज के बारे में वहां पे जाके पूछ लीजिए और फिर ही आप जो है अकाउंट है वो ओपन आप करवाएं। तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखें कि आप अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं तो एक ही अकाउंट आपका खुलेगा एक पोस्ट ऑफिस में। ऐसा नहीं है कि जैसे बैंकों में आप दो चार अकाउंट खुलवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर एक ही अकाउंट आपका खुलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अकाउंट आप खुलवाएं तो जो याद रखें उसको कि उस पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है, तो एक अकाउंट ही खुलेगा एक पोस्ट ऑफिस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकाउंट जो खुलेगा वो सिर्फ कैश से ही खुलेगा, क्योंकि देखिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो अकाउंट ओपन की है, या चेक फैसिलिटी या नॉन चेक फैसिलिटी लेने की भी है तो काफी कम अमाउंट है इसके अंदर। कोई आप ऐसा नहीं है कि चेक के थ्रू आप इसको ओपन करें या आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू इसको ओपन करें, ऐसा नहीं होगा। आपको कैश के साथ ही पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और वहां पे ये जो अकाउंट है आप इसको खुलवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा वो है कि जो गांव के लोग हैं जिनके इनकम काफी कम है, या ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं लेकिन इनकम काफी कम है, वो इस सेविंग अकाउंट को आसानी से खुलवा सकते हैं, कम अमाउंट में खुलवा सकते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम आपको पता है कि मिनिमम बैलेंस जो उसमें मेंटेन रखना पड़ता है 500, 1000, 2000, 5000 इस तरह से काफी ज्यादा होता है, तो इसके अंदर पोस्ट ऑफिस में आपको मिनिमम बैलेंस जो है काफी कम रखना पड़ता है। जैसे हमने बात की 50 रुपये रखना है, तो अच्छा है जो आदमी जो पर्सन इसको खुलवाना चाहता है और कम जो अमाउंट है उसके पास, वो कभी वो निकाल भी सकता है। तो एक अच्छा अकाउंट ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीय नागरिकों को। इसको आप सिंगल अपने लिए खुलवा सकते हैं या जॉइंटली भी आप इसको खुलवा सकते हैं इस अकाउंट को, तो दोनों ही तरह से आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। और अगर आप बाद में चाहें सिंगल को ज्वाइंट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और ज्वाइंट को अपने यानी कि सिंगल अकाउंट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी गई है। तो आप किसी भी तरह से इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, सिंगल या फिर दो जने मिलके, यानी कि एक पर्सन और उनकी वाइफ मिलके दोनों खुलवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है। और उसके बाद आप चाइल्ड के लिए भी इसको खुलवा सकते हैं, लेकिन जो माइनर है उसकी जो एज है 10 साल से कम होनी चाहिए। ये जो 10 साल का फैक्टर है ये रखा गया है, जो भी सारी स्कीम्स हैं ये आपने देखी होंगी कि 10 साल का फैक्टर रखा गया है कि 10 साल का बच्चा जो है या 10 साल के ऊपर की जो एज वाला चाइल्ड है वो खुद ही अपना ओपन करवा सकता है अकाउंट और उसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका बच्चा जो 10 साल से ऊपर का है तो वो खुद ही उसको ओपन करवा सकता है और वो उसको ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं वो उनके लिए आप अकाउंट ये खुलवा सकते हैं, तो इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है। बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके नाम से वो कन्वर्ट हो जाता है अकाउंट, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक काफी अच्छी स्कीम थी, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए, इस तरह की स्कीम्स के लिए और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।